क्या इस चैन से सुकून से बैठे रहना क्या मुनासिब है हम जैसे गुनहगारों के लिए? क्यों हमारे अंदर बेचैनी नहीं पैदा होती कि मैं हसद के गुनाह के साथ दुनिया से जाऊंगा, मैं बुखल के गुनाह के साथ दुनिया से जाऊंगा, मैं बदनजरियों के साथ दुनिया से जाऊंगा, मैं बदकारियों और बदफेलियों के साथ दुनिया से जाऊंगा, मैं झूठ बोलता हुआ दुनिया से जाऊंगा, मैं इसकी चुगली उससे करते हुए दुनिया से जाऊंगा, मैं इसको उससे लड़ाते हुए दुनिया से जाऊंगा, मैं ग्रुपबंदी के साथ दुनिया से जाऊंगा, मेरी सजदे में आंसू कब आएंगे, कब मेरी दुआ में मेरे हाथ कांपेंगे, कब मेरे होंठों में लर्जा आएगा, कब यकीन और तवक्कुल की कैफियत मेरे अंदर पैदा होगी, कब अल्लाह के सिवा हर एक की ताकत मच्छर के पर से ज्यादा कमजोर है, ये यकीन मेरे दिल में कब आएगा? ये सिर्फ जुबान से बोलता रहूंगा कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और ख्याल ही होगा कि नहीं, अल्लाह बड़ा नहीं है, सरकार बड़ी है, ताकत बड़ी है, बैंक बैलेंस बड़ा है। कौन सा शिर्क है जो हमारे अंदर नहीं है? कौन सा कुफर है जो हमारे अंदर नहीं है?